मोला ब्लॉग्स, वेलकम फ्रॉम बद्रीनाथ, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपने अगर पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने देहरादून से लेके अभी बद्रीनाथ का कंटिन्यू ड्राइव किया था। और हवा बहुत चल रही है, धूप लग गई है भाई। सुबह सुबह रूम में चेक इन किया था क्योंकि हम रात भर ड्राइव कर रहे थे, शोर बहुत है ना अभी। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चेकआउट करो, मतलब रात भर क्या मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत खतरनाक रहा है। अभी मैं भाई के होटल में ठहरा हूँ, भाई का नाम क्या है, गौरव भाई के होटल में ठहरा हूँ, ये भी अपने जान पहचान में ही है। तो अभी हम मतलब चलेंगे यहाँ से, एक्सप्लोर करेंगे बद्रीनाथ को, आज चलते हैं। तो रूम कुछ इस तरीके से है भाई का, एंड अभी तो सो के उठे हैं, जस्ट सामान फैला हुआ है हमारा, एंड रूम से व्यू देखो गाइस। तो रूम का व्यू तो देखो भाई, बहुत जबरदस्त है। कहाँ जाना है? नाश्ता भी करना है भाई। तो अभी बहुत सनी मौसम है और भाई के साथ अभी हम करेंगे थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह करेंगे यहाँ पे। देख रहे हो मौसम भाई, मतलब मजा आ रहा है यार। सुबह सुबह हवा भी चल रही है, शोर शराबा भी है, बट थोड़ा मेरी आवाज कम आ रही होगी, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लोर करवाएंगे बहुत अच्छे से। Not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. So guys, market ke kuch short lene ke baad main wapas aa gaya hu hotel, kyunki nashte ka time ho gaya. Bhai saab pehle hi shuru ho gaye. क्या है भाई नाश्ते में, क्या क्या है? ओ भाई पूरी खिला रहा है क्या सुबह सुबह तुम? ऑयली ऑयली बढ़िया है भाई। सो गाइज अभी निकल पड़े हैं हम माणा के लिए फिर से, मतलब कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। और हमारे साथ बैठे हैं गौरव श्रीवास्तव। गौरव श्रीवास्तव ये मुंबई से हैं। मुंबई से मुंबई सतपुली पौड़ी है। सो अभी डिसाइड किया है हम चलते हैं माणा, माणा से लेंगे कुछ फोटो और यहाँ के जो मतलब सीनिक व्यूज हैं उसको कैप्चर करेंगे, एंड ट्राई करेंगे कि मतलब आपको बद्रीनाथ को अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाएं। ट्रैकिंग वाले एरिया नहीं करवाएंगे भाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम केदारनाथ भी चले जाते। नॉर्मल ट्रैकिंग हम करेंगे जो 2-4 किलोमीटर की होगी, ऑब्वियसली वहां से सीनिक व्यू कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एंड अभी आज भी हम यहीं हैं और कल भी यहीं हैं, तो मतलब बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिप में, बद्रीनाथ अच्छे से एक्सप्लोर होगा इस बार। सो वेलकम वंस अगेन टू राहुल रमोला ब्लॉग्स, बद्रीनाथ सीरीज 2024। गौरव भाई आप भी कुछ बोलते हो यार, राहुल मैं तुम बोलते रहे हो। तो गाइस देखो सामने हेलीकॉप्टर दिख रहा है, हेली देखो कितना बड़ा है। और ये है लास्ट इंडियन विलेज भाई, इधर एक फोटो तो ले दे यार। कहाँ पे? लास्ट इंडियन विलेज। तो बस ये आर्मी की पार्किंग है, यहाँ पे जो लास्ट इंडियन विलेज वाला गेट है यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, एंड वो हेली आपको दिख रहा होगा। फिलहाल हम यहाँ से ट्रैक मतलब वही पैदल चलेंगे और कुछ तो किलोमीटर्स तक पैदल चलेंगे, यहाँ पे 5 किलोमीटर तक भाई। शाम को यहाँ पे बैडमिंटन खेलेंगे। सो गाइस सामने रहा माणा विलेज फिर से इस ब्लॉग में। और नीचे कौन सी रिवर है भाई? अलकनंदा रिवर। सो जो नज़ारे हैं, जो शोर है नदी का, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। होने वाला क्या है ही भाई, सारे आर्मी क्वार्टर्स सामने हेली और ये नज़ारे हैं यहाँ के। और हमने गाड़ी इसलिए लगाई तो देख सकते हो माना था कि इस समय कितना जाम लगा हुआ है, मतलब यहाँ गाड़ी ले जाना बेकार। गाइस वो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा ऊपर आसमान में, सारी भेड़े हैं इतनी हाइट पे, मतलब भेड़े चर रही हैं देखो। और ये रहा एक वाटर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग नहीं सॉरी वाटरफॉल। तो भाई देखो नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के वाटरफॉल के। सो
सो गाइस करंटली जो माना का मेन गेट है यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं माना विलेज के अंदर। तो विलेज कुछ इस तरीके से है। सो कपड़ों का, गर्म कपड़ों का, मतलब ये काफ़ी सारा मार्केट एरिया है यहाँ पे, खाने के लिए भी अवेलेबल है विलेज के अंदर। सामने कोई वाटरफॉल है जहाँ तक का हमें ट्रैक करना है, तो चलते हैं वहाँ तक। मैं बता दूँ वहाँ संडे है लेकिन भीड़ बहुत है आज। भाई देखना यार, अरे भाई क्या मार्केट एरिया है भाई, नज़ारे देखो। तो गाइस माना का विलेज बहुत ही सुंदर है यार, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब ठंड में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको यहाँ पे, आप परचेज कर सकते हैं कपड़े वगैरह, हॉट क्लोथ्स, खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जूस भी अवेलेबल है, पानी है, मतलब 10 टाइप का फूड है। तो और ऐसा फूड देखो मतलब नाश्ते के लिए भी ऑप्शंस हैं। और वैसे भी पहाड़ों में ऐसा तो है नहीं कि धूल है या मिट्टी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, हाइजीन इशूज़ कम ही होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। मतलब अभी मैं माना विलेज ऑलमोस्ट क्रॉस किया हूँ, नीचे का मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार। पीछे देखो भाई, ये है तो माना विलेज, वो जस्ट क्रॉस करके आ गया हूँ मैं अभी, अभी दिखाता हूँ एक्चुअल व्यू। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं वसुंधरा फॉल, तो ये कुछ रास्ता है माना विलेज क्रॉस करने के बाद। तो गांव को क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरीके से व्यू है, नीचे देखो नेक्स्ट देख सकते हो आप अलकनंदा के व्यू। भीड़ भी काफ़ी है भाई, और सामने देखो कितनी भीड़ लगी है, और ये ऐसे ऊपर जाएगी स्टीप, पहाड़ के व्यू देखो आप गाइस, शोर देखो यार नदी का। सो गाइस थोड़ा सा क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि माना विलेज के यहाँ पे मेरा ना आईफोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं पावर बैंक साथ में लेके चला नहीं। तो नीचे अलकनंदा का जो शोर है वो बरकरार है, और जो व्यूज़ हैं यहाँ के वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अब सीधे ट्रैक करते करते चलते हैं आगे। फिलहाल हम वापसी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, एंड ये जो रास्ते में माना से पहले जो इलाका है बहुत ही सुंदर व्यू है यार यहाँ का। एंड यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है जो कि सीधे पाताल रोक में जाती है, और ये है भाई गंगा अलकनंदा रिवर, अलग ही नज़ारे। तो गाइज वाटरफॉल का ट्रैक हमने पूरा नहीं किया, हम तो वापस आ गए आधा ट्रैक करके, काफ़ी अच्छा मौसम था, मज़ा भी आया, और सरस्वती रिवर और वो भीमशिला ये सब तो देख ली हमने। तो फिलहाल हम आए हैं बद्रीनाथ के जो मेन एरिया है मार्केट एरिया उसकी तरफ। वाह यार सामने जो नीलकंठ पर्वत का व्यू आ रहा है ना शाम का भी, बहुत ज़बरदस्त बहुत। और ये है होटल देवलोक, मेन मार्केट एरिया में है, काफ़ी लंबा मार्केट है आगे तक, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बद्रीनाथ अगर आप आ रहे हैं तो। मतलब अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, ठीक ठाक है, और मौसम भी बहुत प्लेजेंट है। तो गाइस शाम को मार्केट में टहलते टहलते अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बद्रीनाथ मंदिर की ओर, ताकि हम शाम के जो व्यूज़ हैं कैप्चर कर सकें। तो लंच नहीं कर पाया था, तो अभी जस्ट मोमोज वगैरह खा के फ्री हुए हैं, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जय श्री बद्री विशाल, सामने देखो बद्रीनाथ का मंदिर, भव्य मंदिर कितना सुंदर नज़र आ रहा है,
लास्ट टाइम भी मतलब हम जब आए थे कोविड के टाइम पे, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इस बार कंप्लीट कैप्चर कर रहे हैं। सामने देख सकते हो आप नदी के किनारे, वो भाप निकल रही है एकदम गर्म पानी जैसी। तो ये मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ जी का मंदिर आप देख सकते हैं, भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। और इवन शाम का टाइम है तो थोड़ा सा व्यू जो है, जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं वो मतलब थोड़ा सा फीके पड़ रहे हैं, बट अदरवाइज़ मॉर्निंग में देखेंगे तो अलग व्यूज़ आएंगे, तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ही दिखा पाऊंगा। सामने देखो लोग नहा रहे हैं एकदम, कौन सा कुंड है ये? तप्त कुंड। ओके, तप्त कुंड में लोग नहा रहे हैं, गर्मा गर्म पानी है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, तो काफ़ी गर्म पानी होता है। चावल डाल के पक जाएंगे, क्या बात है। एंड भीड़ काफ़ी है यार, कुछ भी बोलो भीड़ काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी भीड़ नहीं है। मंदिर में दर्शन हो रहे हैं, तो अभी मार्केट घूम घूम के थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए हैं। सामने देखो ऋषि गंगा से निकलता है वाटरफॉल, वो यहाँ पे मतलब उन्होंने कलेक्ट करके शायद छोड़ा हुआ है पानी, तो एक वो है जो काफ़ी नज़दीक है, हम ट्राई करेंगे अगर कल टाइम मिले तो वहाँ जाएंगे, या इस पहाड़ी पे ट्रैक करेंगे। सामने बद्रीनाथ, इधर बद्रीनाथ, नीचे बद्रीनाथ, तो भाई मतलब हर जगह जो नज़ारे हैं वो बहुत अच्छे हैं। नीचे देखो अलकनंदा का अलग ही व्यू आ रहा है, इस इधर से अलग ही शोर है इनका, तो मतलब कुल मिला के मज़ा आ रहा है। ऊपर अब बादल, आज बारिश का मौसम भी नहीं है, तो अगर आप ट्रैवल करने के लिए बद्रीनाथ आने का सोच रहे हो तो अब आ सकते हो, अब बारिश और थोड़ा सा लैंडस्लाइड का इशू कम रहेगा। सो गाइस, बद्रीनाथ मंदिर से रूम पे वापस आने के बाद व्लॉग एंड करना मैं मिस आउट कर गया था, बट कल बड़ा मज़ा आया, रात भर हमने घूमा फिरा, ट्रैवल किया और एक्सप्लोर किया यहाँ पे लोकल, जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। बाकी होप्स हो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, शॉर्ट एंड सिंपल बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं और उसमें ब्लॉग लंबा हो गया है, और ट्राई करते हैं समथिंग हर दिन कुछ नया करने की। और नेक्स्ट ब्लॉग भी होने वाला है, हम ट्रैक करने वाले हैं बद्रीनाथ के आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से एक में, एंड लेट्स सी वहाँ से क्या नज़ारे आते हैं, क्या व्यूज़ आते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए राहुल रमोला ब्लॉग्स, जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो देख लें, एंड स्टे सेफ।